हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है इस न्यू ब्लॉग में। आज हम एनएसटीआई के गेट के बाहर जा रहे हैं क्योंकि हम सभी नुक्कड़ नाटक में पार्टिसिपेट किए थे और हमारी बिलिंग टीम बाहर जा रही है और उसकी खुशियां देखिए कैसे उछल रहे हैं सभी लोग। नारा लगाओ, नारा, कुशल बने देश अपना, यही है हम सबका सपना। कुशल बने देश अपना, यही है हम सबका सपना। जय कौशल, जय भारत। जय कौशल, जय भारत। जय कौशल, जय भारत। कौशल भारत जिंदाबाद। कंट्रोल कंट्रोल उदय। सभी लोग देखिए भाई, ये हमारे एनएसटीआई के ट्रेनीज हैं जो ये ईएम के ट्रेड के हैं, जो फर्स्ट आए हैं नुक्कड़ नाटक में। समझ रहे हो टीम इनकी फर्स्ट आई है, इनका काफी अच्छा परफॉर्मेंस रहा इनकी टीम की तरफ से। ईएम हमारा फर्स्ट आया है, उसके बाद इलेक्ट्रिशियन सेकंड, हमारा बैच सेकंड पोजीशन पे आया है आज के फंक्शन में, काफी अच्छा रहा हम लोग का टीम मेंबर है और हमारी तैयारी भी। तो सर आप बताइए, आज के नुक्कड़ नाटक में क्या क्या हुआ, आपने कैसे प्रिपरेशन किया और कैसे आपने फर्स्ट स्थान हासिल किया अपनी टीम के साथ? नुक्कड़ नाटक का प्रोग्राम था, उन्होंने उसमें लड़कियों को अपनी बिटियाओं को स्किल के बारे में समझाने का प्रयास किया अपने नुक्कड़ नाटक के द्वारा, जिसमें हमारी टीम इलेक्ट्रीशियन इलेक्ट्रॉनिक्स टीम थी, जिसमें हमारी क्लास के बच्चों ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया और बहुत शॉर्ट टाइम में इतना अच्छा परफॉर्मेंस करना हमारे लिए मुश्किल था, लेकिन हमारी टीम की कोऑर्डिनेशन इतनी अच्छी थी कि हमारी टीम फर्स्ट आई। बेटी हमारे लिए बहुत खुशी की बात, फर्स्ट आई है, हमें इस बात से बहुत बहुत खुशी। हम सेकंड आए, हमने हमारे मैन ऑफ द मैच इनकी वजह से हमारी टीम फर्स्ट आ पाई है, इनका डांस परफॉर्मेंस इतना अच्छा था इस वजह से आज हमारी टीम फर्स्ट आई है। मैम दो शब्द बताइए अपने आप, तैयारी कैसी की और कैसे आपने फर्स्ट स्थान हासिल किया? तैयारी में लगे थे, हमें सिर्फ दो दिन मिले थे, लेकिन हमारी पूरी टीम की वजह से ये इतना अच्छा हो पाया है, पूरी टीम ने हमारा सपोर्ट किया है। हम भी टीम में है भाई। मैम अच्छा। पांडे सर आप बताइए कुछ। बेटियों ने आज कलाकारी जो दिखाई है काबिले तारीफ है, इनमें हमारी बेटियों का मुख्य रोल अदा किया है, इन्होंने सच में काबिले, उन्होंने काफी मेहनत किया इसमें। आप इसमें किस रोल पे थे? हम बेटी का बाप बने हुए थे, जो हमारी बेटी ने बहुत अच्छे से संगीत गाकर परफॉर्मेंस दिखाया है और काफी अच्छा है। तो बिटिया को बुला के आप लगते तो पापा सच में है और आपने बिटिया को बुला के अगर दो लाइन गवा दो तो अच्छा लगेगा। अच्छा, बिटिया हमारी ऐसी नहीं है कि कभी जाते चले, बाकी जल्दी पूरा किया जाएगा हम अगले प्रोग्राम। लेकिन आप सेकंड टीम कौन सी थी जीतने वाली? इलेक्ट्रीशियन ब्रांच सेकंड ग्रुप, जो सेकंड डिवीजन आया। हमारे भाई ने भी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस करी, हमने रात के दो बजे तक मेहनत की है। हमें कल अचानक मालूम चला कि संस्था में हमारे कोई इवेंट होने वाला है, हमारे भाई लोग भी लगे हुए थे, हमने भी अपना परफॉर्मेंस दिया, बट हमारी टीम इतनी अच्छी तैयार नहीं हो पा रही थी, बट हमने 2 बजे रात तक प्रैक्टिस की और आज मंच पे डायरेक्ट जाके अपने स्क्रिप्ट को बोल डाला। इस चीज की गवाह पूरी एनएसटीआई है, सभी ट्रेड है जिन्होंने इनको रात। आपका रिजल्ट ही बताता है कि आपने कितनी अच्छी तैयारी की थी और आपको बहुत बहुत बधाई हो, आपकी टीम जीती हुई है आज। धन्यवाद, थैंक यू सो मच। थैंक यू गाइज, अब मिलते हैं आपको न्यू ब्लॉग में। ये हमारे ट्रेनीज हैं, अपनी खुशी को जा रहे हैं बाहर जाहिर करने। सारे मजा आया काफी।